वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप कांस्टेबल फीटर का जो एग्जामिनेशंस 4 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था, और इस एग्जामिनेशंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग मुझे क्वेश्चंस मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा क्वेश्चंस मुझे कहाँ से मिला, तो ये जितने भी कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किया था, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कॉल पे भी बताए थे, तो उनके माध्यम से ही ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाया हूँ। तो आप स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन देखिएगा तो ये ना सोचिएगा कि ये फेक है, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है वो 100% जेन्युइन होता है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा एडमिट कार्ड के साथ, जो कैंडिडेट मुझे ये क्वेश्चन शेयर किए हैं, और जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यस सर यही क्वेश्चन आया था, ताकि अन्य कैंडिडेट को बिलीव हो सके, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेक चलता है, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ जेन्युइन क्वेश्चन कराता हूँ। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, देख सकते हैं सभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, और देख सकते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप कांस्टेबल फीटर का जो एग्जामिनेशन हुआ है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया है और 2 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। अब बात करें सिलेबस क्या था, तो जीके के 25 क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इस तरह 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के, बाकी अपना नाम वगैरह बताना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सभी थे यहाँ पे, इसको हाइड कर दिए, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। ये देख सकते हैं कॉन्स्टेबल फीटर का एडमिट कार्ड है, बाकी आप देख सकते हैं इनका डिटेल अपना हाइड कर दिए हैं, और एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम 4/9/2022 देख सकते हैं, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था ये हरियाणा में पड़ा था, देख सकते हैं बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये है। चलिए अब मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए वही कैंडिडेट हैं, इन्होंने 8 सितंबर को मुझे मैसेज किया, देख सकते हैं ये PDF एक भेज दिए हैं, खुद का ये अपना हैंड नोट्स बनाए थे, लेकिन फिर मैं अपने तरीका से बनाया ताकि प्रॉपर ढंग से, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था इनके PDF में, तो देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर दिया हूँ PDF में, देख सकते हैं इन्होंने जीके मैथ रीजनिंग सारे क्वेश्चंस शेयर किया था, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से, देख सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कॉल पर भी बताए थे कि ये सर क्वेश्चंस आया था, अब आपको बिलीव हो चुका होगा। अब चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके और साइंस के प्रश्न को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में समान रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है 120/80 mmHg होता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होता है। और देखिए मैं बता दूं BSF ट्रेड्समैन्स का जो होने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप लोग ये से रट जाइएगा, क्योंकि इसी लेवल और देखिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे GK सेक्शंस में। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड इसे ज़रूर कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है, तो ब्लेज पास्कल ने किया है। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कंफ्यूज थे, एक कैंडिडेट ये बोले थे कि ये था और दूसरा बोले थे कि भूरा कोयला कौन सा है, तो लिग्नाइट हो जाएगा, मैं दोनों बता दें। न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है, जड़त्व पर आधारित है। ध्वनि किस में नहीं चलती है, ऑप्शन में निर्वात था, बिल्कुल सही था। प्रथम लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई एल्डिंग वैरायटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, प्याज किसका रूप है, तो ये तना का रूप है। डिजिटल इंडिया कब प्रारंभ हुआ था, 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो आर्गन गैस होती है। होम्योपैथिक के जनक कौन है, तो हैनी मैन है।
नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पुरुषों की बजाय महिलाओं में होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गठिया सही था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये वैसे रात में हुआ था 2 दिसंबर को 12 बजे के बाद, इसलिए 3 दिसंबर हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं भीग वियोर के नाम से। हिमाचल प्रदेश में सूर्य देव मंदिर कहाँ है? तो नीरथ में है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का प्रमुख त्यौहार है। उष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलो जूल प्रति ग्राम होता है, ये एग्जैक्ट सही था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे? तो राम तनु पांडे थे। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? 118 तत्व है। फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब पर सबसे जेन्युइन क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो कैंडिडेट नए हैं चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं सारे पैरामिलिट्री फोर्सों का ओरिजिनल क्वेश्चंस कराता हूं, साथ में ट्रेड की तैयारी कराता हूं, एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चलाता हूं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं होता है? तो कौन से ग्रह का, तो 2 ऐसा ग्रह है, एक बुध है एक शुक्र है। ऑप्शंस में सिर्फ बुध ही था, तो बुध ही करेक्ट किए होंगे। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन में अनुसंधान सिर्फ दिया था, अनुसंधान केंद्र, लेकिन आप लोग फुल जान लीजिए, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो 13 जनवरी 2016 को हुआ था। अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। स्मोक बम में किसका प्रयोग होता है? फास्फोरस का प्रयोग होता है। गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग होता है? तो इस जिंक का प्रयोग होता है। एड्स जो होता है किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शीर्ष शहर कौन सा रहा है? तो इंदौर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओवन में कौन सा वेव यूज्ड होता है? तो माइक्रोवेव यूज्ड होता है। प्रकाश संश्लेषण से एक प्रश्न था जिसका आंसर सभी था, ऑल वाला ऑप्शन सही था, अब एग्जैक्ट क्या ऑप्शन था मुझे नहीं मालूम। न्यूटन का सेकेंड नियम क्या बताता है? तो बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये बताता है। जालोरी ज्योत कहाँ है? कुल्लू में है। और ये निगेटिव लेंस पावर किसका होता है? कनकेव का होता है। और एक भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डैश की कोशिकाओं के पुनरावृत्ति कम होती है, मस्तिष्क की जो कोशिकाओं के पुनरावृत्ति कम होती है। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। मलेरिया उन्मूलन कब शुरू किया गया था? 1958 में शुरू किया गया था। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। ये मैथ में पूछा गया था, बेलन का आयतन πr²h होता है। एक था ये, वर्गों के भुजा का अनुपात 3:4 है, तो उनके एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये जो भुजा का अनुपात है इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 9, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बाकी जितने भी मैथ और रीजनिंग के मुझे क्वेश्चंस मिला है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।